कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक पीजी ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही इस मामले में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। इस बीच हड़ताल कर रहे मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों के समर्थन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी उतर आई हैं। उन्होंने कहा है कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा देश में बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके लिए ठोस प्रयास की जरूरत है। मेरी अपील है कि पीड़िता के परिवार और साथी डॉक्टरों को न्याय मिले। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार यानी 12 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा देश में बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके लिए ठोस प्रयास की जरूरत है। ऐसे में मेरी राज्य सरकार से अपील है कि इस मामले में त्वरित और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, साथ ही पीड़िता के परिवार और साथी डॉक्टरों को न्याय मिले। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीते 9 अगस्त की सुबह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला था। वहीं इस हत्या के बाद से डॉक्टरों ने काम करना बंद कर दिया है और वे हड़ताल पर चले गए हैं। जहां कोलकाता की घटना को लेकर दिल्ली में भी विरोध हो रहा है, वहीं पुलिस ने आरोपी संजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने रेप और हत्या की बात कबूल की। फिलहाल संजय 14 दिन की पुलिस कस्टडी में है। इस बीच फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हड़ताल का समर्थन किया है, जहां सोमवार यानी 12 अगस्त को वैकल्पिक सेवाओं को रोकने का देशव्यापी आह्वान किया गया है। इस दौरान पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम ने भी राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले की जांच के लिए एक निष्पक्ष जांच समिति गठित करने का अनुरोध किया है। उसने सूबे के कई अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा और दोषी को मृत्यु दंड देने की भी मांग की गई है।